हेलो, मैं नेवी जायो के टेक रेडिएटर और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 नेक बैंड के बारे में, जिसको आप 2000 रुपये के अंदर खरीद सकते हैं। वैसे तो चार 1500 के अंदर हैं, बट एक है जो 2000 रुपये का है, इसलिए वीडियो का टाइटल है टॉप 5 नेक बैंड अंडर 2000। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नंबर 5, रेडमी सोनिक बेस नेक बैंड। और बात करें इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको 9.2 mm का डायनेमिक बेस बूस्ट ड्राइवर मिलता है, और इसमें आपको 12 आवर का बैटरी बैकअप मिलता है, और इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है, जिसकी कनेक्टिविटी रेंज है 10 meters, और इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है, और इसमें आपको मल्टीफंक्शन बटन मिल जाती हैं, जिससे आप गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं, या वॉल्यूम वगैरह बढ़ा सकते हैं, या किसी का कॉल वगैरह है तो आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको डुअल पेयरिंग का फीचर मिल जाता है, जिससे आप दो फोन से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों फोन में स्विच करके यूज कर सकते हैं। और ये नेक बैंड IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है, जिससे इसको स्वेट वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको ENC का सपोर्ट मिल जाता है, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। आप जब कॉल वगैरह पे होंगे तो इन्वायरमेंट की सारी नॉइस कट कर देगा ये, और कॉलिंग में आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और बात करें इसकी करंट प्राइसिंग के बारे में, तो फ्लिपकार्ट पे इसकी करंट प्राइसिंग है 1299 रुपये, आपको 1300 रुपये के अंदर ये मिल जाएगा। नंबर 4, डीजो वायरलेस पावर। और बात करते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको 11.2 mm का डायनेमिक बेस बूस्ट ड्राइवर मिलता है, और इसमें आपको 18 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, और इसमें आपको 88 mAh का लो लेटेंसी मोड मिल जाता है, जो कि गेमिंग में काफ़ी यूजफुल होगा। और ये भी ईयरफोन IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है, और इसमें आपको इंस्टेंट मैग्नेटिक कनेक्शन मिल जाता है। आप जब ईयरफोन को हटा देंगे मैग्नेट से, तो आपका ईयरफोन कनेक्ट हो जाएगा, और जब आप मैग्नेट को लगा देंगे तो आपका ईयरफोन ऑफ हो जाएगा। और इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है, जिसकी कनेक्टिविटी रेंज है 10 meters। और इस ईयरफोन में भी आपको ENC का सपोर्ट मिल जाता है, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, जो कि कॉलिंग में काफ़ी यूजफुल होगा। और सबसे अच्छी बात, इस ईयरफोन को आप रियलमी लिंक के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। और बात करें इसकी प्राइसिंग की तरफ, तो फ्लिपकार्ट पे इसकी करंट प्राइसिंग है 1399 रुपये, 1400 रुपये के अंदर आपको ये मिल जाएगा। नंबर 3, रियलमी बड्स वायरलेस 2 नियो। और बात करें इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको 11.2 mm का डायनेमिक बेस बूस्ट ड्राइवर मिलता है, और इसमें आपको 88 mAh का लो लेटेंसी मोड मिल जाता है, जो गेमिंग वगैरह करता है उसके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और इसमें आपको 17 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, जिसकी कनेक्टिविटी रेंज है 10 meters। और ये ईयरफोन मैग्नेटिक फास्ट कनेक्शन के साथ आता है, अगर आप मैग्नेट को हटा देंगे तो आपका ईयरफोन कनेक्ट हो जाएगा, और आप मैग्नेट को चिपका देंगे तो आपका ईयरफोन ऑफ हो जाएगा। और ये फोन IPX4 वाटर रेजिस्टेंट के साथ आता है, और इसमें आपको इनबिल्ट माइक मिल जाता है, और इसमें आपको 3 फीचर बटन मिल जाती है, जिससे आप प्ले पॉज कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, या कॉल रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसमें भी आपको ENC का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि कॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। और इस ईयरफोन को आप टाइप सी से फास्ट चार्ज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस ईयरफोन को भी आप रियलमी लिंक ऐप के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। और बात करें इसकी करंट प्राइसिंग की तरफ, तो फ्लिपकार्ट पर इसकी करंट प्राइसिंग है 1499 रुपये, 1500 रुपये के अंदर आपको ये ईयरफोन मिल जाएगा। नंबर 2, बोट रॉकर्स 255 Pro Plus। और बात करें इसके कुछ खास फीचर के बारे में, तो इसमें आपको 10 mAh का ड्राइवर मिलता है, और इसमें आपको 40 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा बैटरी बैकअप है। और इस ईयरफोन में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, जिसकी कनेक्टिविटी रेंज है 10 meters। और इसी ईयरफोन में आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है, और ये ईयरफोन IPX7 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट के साथ आता है। और इस ईयरफोन में भी आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, आप दो डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों में स्विच करके यूज कर सकते हैं। और इस ईयरफोन में भी आपको मैग्नेटिक कनेक्शन मिलता है। और बात करें इसकी करंट प्राइसिंग के बारे में, तो अमेजॉन पे इसकी करंट प्राइसिंग है 1499 रुपये, 1500 रुपये के अंदर आपको ये मिल जाएगा। नंबर 1, OnePlus Bullet Wireless Z2। ये वीडियो मैं 3 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने Z1 इंक्लूड किया था, और एक दो दिन पहले ये Z2 लॉन्च हुआ है, तो मैंने सोचा इसको इंक्लूड किया जाए। और बात करें OnePlus Bullet Wireless Z2 के कुछ खास फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको 12.4 mm का डायनेमिक बेस बूस्ट ड्राइवर मिलता है, और इसमें आपको 30 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, आप इसको 10 मिनट चार्ज करके 20 घंटे तक म्यूजिक सुन सकते हैं। और इसमें आपको AI नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये ईयरफोन IP55 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट के साथ आता है। और इस ईयरफोन में आपको OnePlus फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, अगर आपके पास OnePlus का डिवाइस है तो आपके फ़ोन से ये बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। और इस ईयरफोन में आपको मैग्नेटिक कनेक्शन मिल जाता है, अगर आप ईयरफोन को मैग्नेट से हटा देंगे तो आपका ईयरफोन कनेक्ट हो जाएगा, और आप मैग्नेट को चिपका देंगे तो आपका ईयरफोन ऑफ हो जाएगा। और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपको ईयरफोन को कहीं लेके जाना हो और आप मैग्नेट को हटाएंगे तो आपका ईयरफोन कनेक्ट हो जाएगा, और आप चाहते हैं आप मैग्नेट को हटा के रखें और आपका ईयरफोन कनेक्ट ना हो, और इसके लिए आपको अपने ईयरफोन को चार्जिंग पे लगाना है और मैग्नेट को हटा देना है, और आपका ईयरफोन डिसकनेक्ट ही रहेगा, और आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, और आप जब ईयरफोन को चिपका देंगे तो आपका ईयरफोन ऑफ हो जाएगा, और फिर आप ईयरफोन को हटा देंगे तो आपका ईयरफोन ऑन हो जाएगा, और इस प्रकार से आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। और इससे पहले मैंने इस वीडियो में OnePlus Z1 इंक्लूड किया था, क्योंकि मैंने उसको पर्सनली यूज किया है, जो कि काफ़ी अच्छा ईयरफोन था, और एक दो दिन पहले ये लॉन्च हुआ है,
तो उसका नेक्स्ट वर्जन है तो ये भी काफी अच्छा होगा। और बात करें मेरे ओपिनियन के बारे में कि कौन सा नेकबैंड बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से आप नेकबैंड स्टाइल ना खरीद के TWS ईयरफोन खरीद लीजिए, क्योंकि नेकबैंड बहुत जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें वायर बाहर निकला होता है या बीच से टूट जाता है या अंदर से निकल जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। मेरे हिसाब से आप TWS ईयरफोन खरीद सकते हैं 2000 रुपये के अंदर। मैं इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, TWS ईयरफोन अंदर 2000, एक दो दिन में वीडियो आ जाएगी। और फिर भी आपको नेकबैंड स्टाइल खरीदना है तो आप या तो बोट वाला खरीद सकते हैं या वन प्लस वाला, दोनों काफ़ी अच्छे हैं। और बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, एक में 40 घंटे का, एक में 30 घंटे का। तो बस फिलहाल का वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।